हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी सी चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, पालक की चाट। तो आइए सबसे पहले मैं उसको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो पहले तलने के हैं। मैंने देखिए 15-20 पत्ते लिए हैं पालक के, बाकी आपको जितना बनाना हो आपको उतने की ज़रूरत होगी। 1 कप मैंने लिया हुआ है बेसन का, 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है चावल का आटा, 2 टेबल स्पून मैंने कर्ड लिया हुआ है, और ये चाट मसाला है 1/4 स्पून। उसके अलावा ड्राई स्पाइसेस हो गए, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और ज़ीरा भुना हुआ, वो सब हम डालेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो बेसन है ये हम पूरा इसमें डाल लेंगे, और साथ में हम ये राइस फ्लोर जो लिया हुआ है 1.5 टेबल स्पून हम ये भी डाल लेंगे इसमें, और इसमें हम डालेंगे ये कर्ड डालेंगे पूरा, और उसके बाद हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है इसमें लम्स ना पड़ जाए बेसन में। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे, एट अ टाइम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी जब ये बन जाएगा। ये देखिए अच्छे से हमें मिक्स करना है, देखिए ये पालक की चाट बहुत ही चटपटी बनती है, बहुत ही। अभी मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसको सर्व करूंगी तलने के बाद, फिर देखिएगा। ये देखिए हम इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते चले जाएंगे। आपको पता है वैसे भी पालक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ये ऊपर से पालक चाट के रूप में, तो वो वैसे ही सबको बहुत पसंद आती है। ये देखिए इसकी, ये देखिए मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, बहुत पतला नहीं करना है इसको। ये देखिए, ये देखिए इसकी, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब इस टाइम पे अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ड्राई स्पाइसेस। सबसे पहले चाट मसाला पड़ा है, मैं वो डाल देती हूँ सामने। ये देखिए चाट मसाला डालेंगे, ये देखिए सॉल्ट टू टेस्ट डाल देंगे, है ना, अराउंड 1 स्पून सॉल्ट पड़ जाएगा। रेड चिली पाउडर डालेगा, पिसा हुआ जीरा डालेगा इसमें, पिसा हुआ धनिया डालेगा इसमें, ये देखिए, और थोड़ी सी अराउंड 1/4 स्पून ब्लैक पेपर डालेगी। बाकी सॉल्ट आप देख लीजिएगा आपको कितना टेस्ट के हिसाब से, और रेड चिली पाउडर भी आप देखिएगा टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा तीखा खाना है तो आप इसमें ग्रीन चिलीज भी पीस के डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। देखिए मसाला डालने के बाद मेरा बैटर थोड़ा सा थिक हो गया, तो अब हम इसमें, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा पानी डालने की और ज़रूरत है, तो चलिए मैं थोड़ा सा एक देखिए डाल के देख लेती हूँ। ये देखिए क्योंकि बहुत पतला भी अगर बेसन हो जाएगा तो फिर ये पालक के पत्तों पे आएगा नहीं, गिरने लगेगा। ये देखिए, ये देखिए अब हमारी ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो आइए अब हम इसको गैस ऑन करते हैं और पालक के पकौड़े तल लेंगे। हमारा ऑयल अच्छे से हमें गरम करना है, हमारा ऑयल गरम हो गया देखिए। अब हम इसमें एक एक पत्ता उठाएंगे पालक का, स्पून को मैं साइड में रख देती हूँ। हम एक एक पत्ता उठाएंगे, इसको हल्के से हाथ से पूरा इसको, ये देखिए इसमें डिप करेंगे, और इसके बाद ले जाके ये देखिए इस तरीके से हम एक बार में 3-4 पत्ते पालक के अच्छे से इसको कवर कर देंगे। जब ये तलता है तो ये पत्ता वैसे तो देखिए चिपकता है, पर खुल जाता है पत्ता तलते टाइम। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए जितने पत्ते आ पा रहे हैं हम उतना एक बार में कर लेते हैं, और इसको हमें हाई फ्लेम पे तलना है क्योंकि हमें बहुत क्रिस्प करना है। ये देखिए और इसको अभी हम पलटेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये अच्छे से एक साइड से हो जाए इसके बाद हम पलटेंगे। एट ए टाइम देखिए मैंने 4 कर 4 कर दिए एक बारी, अब ये अच्छे से हो रहे हैं। इसके बाद हम इसमें ना देखिए चिमटा यूज करेंगे पलटने के लिए, पक गया है इनको थोड़ा सा हल्का सा अलग कर देंगे, बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से पालक के हो गए, ये देखिए
अभी हम पलट देते हैं, ये देखिए खूब हमें क्रिस्प करने हैं क्योंकि हमें इसकी चाट बनानी है। इसको अच्छे से पलट देंगे, हम दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों साइड से अच्छे से हो गए, बस जरा सभी के पीछे से मैंने देख लिया, एक सेकेंड और लगेगा मेरे को। और ये ध्यान रखिएगा हमें इसको हाई फ्लेम पे ही करना है क्योंकि ये क्रिस्प होने बहुत जरूरी है। इसी तरीके से कर करके हम सारे जितने हमने बनाने हैं पालक के, और ये बहुत ही इंस्टेंट बनते हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता है और फटाफट बन जाते हैं। अगर आपका चाट खाने का मन है, बाकी चीज़ें आप बनाने में टाइम लग रही है, टिक की आपको ये, और आपके पास पालक के पत्ते पड़े हुए हैं, तो आप इजीली ये पालक चाट बना सकते हैं। ये देखिए हमारे कितने अच्छे से, ये देखिए ये हो गई, हम इसको एक एक करके इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए टिश्यू पेपर पे रखते जाएंगे और इसी तरीके से हम अपनी सारे तल लेंगे। देखिए हमारे ये हो गए, अब इसको हम साइड में रख देंगे और इसी तरीके से हम जितने पालक के पत्ते तल लें हम सारे तल लेते हैं। ये देखिए मेरे सारे पालक तल गए, मुझे जितने तलने थे, और अब मुझे इसकी बनानी है चाट। देखिए इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है, मैंने धनिया और पुदीना की चटनी बनाई है हरी, और ये सौंठ हर घर में होती है, इमली की चटनी। और ये दही लिया हुआ है, इसमें मैंने एक टेबलस्पून शुगर डाली हुई है, और ये मैंने चुकंदर ग्रेट करके रखा हुआ है, हरा धनिया है, और अगर आप चाहें तो इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं। अब चलिए मैं आई है आपको इसको चाट बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे बना रही हूँ। हम इसको सर्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं पकौड़े, मैं इसको प्लेट में लगाऊंगी। जैसे आप जैसे सर्व करना चाह रहे हैं, जिस प्लेट में सर्व करना चाह रहे हैं, देखिए मैंने ये कैसे बना लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसमें ये डालेंगे कर्ड, ठीक है। ये दही लिया हमने, इसके ऊपर से हम इसमें दही डालेंगे। दही आप देख लीजिए आपको कितना डालना है, चाट है तो दही चटनी हरी चटनी जब तक खूब ना डाली हो तब तक मज़ा तो आता नहीं है। हमने ये डाल दिया, कर्ड डाल दिया हमने। अब इसके बाद हम डालेंगे, ये देखिए हम ये सौंठ डालेंगे इसमें, ये देखिए हमने ये सौंठ डाल दी। अब बची है अब हमारी, ये देखिए ये हमने डालनी है ग्रीन चटनी। अब हम इसी तरीके से ग्रीन चटनी डालेंगे इसके ऊपर, और आपके ऊपर है कि किसी को दही किसी को सौंठ जो भी पसंद होता है, बेसिकली अपने टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि कोई दही ज़्यादा पसंद करता है, कोई सौंठ की चटनी, ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ये चुकंदर हमने बीटरूट ग्रेट करके रखा हुआ है, और इसमें आप चाहें तो अनार के दाने भी डाल सकते हैं ऊपर से, ये देखिए। और इसके बाद अब हमारा बचा है लास्ट स्टेप, हम इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, क्योंकि अभी हमने इसको चटपटा बनाना है। ऊपर से डालेंगे सॉल्ट, ठीक है, ग्रीन चिली रेड चिली सॉरी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। आप ये स्पाइसीनेस जितना आपने करना है वो आप खुद अपने टेस्ट के हिसाब से, ये भुना जीरा सबसे ज़्यादा इन्हांस करता है ये टेस्ट को। ये देखिए ये हमने सारे ड्राई स्पाइसेस डाल दिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से हम फिर थोड़ा 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 हमने इसके बाद अब हमारा, ये देखिए ये हमारी चाट पालक की चाट रेडी होगी। पर इसको मैं एक चीज आपको बताऊं, इसको आपको चाट को खाना तो हाथ से पड़ेगा, मजा तभी आएगा क्योंकि आप इसको स्पून से खा नहीं पाएंगे, और जो मजा आएगा इसको लिक करने में हाथ से चटनियों को, तो बहुत ही टेस्टी। आप इसको बनाइए, अभी पालक आ रही है बहुत अच्छी, इसको ट्राई करिए और बताइए कैसी लगी आपको चाट। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ,
ये देखिए हमारी पालक चाट बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसको तुरंत तलिए, तुरंत चटनियाँ डालिए, तुरंत सर्व करिए, क्योंकि नहीं तो ये सॉगी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर इसका जो क्रिस्पीनेस है वो खत्म हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए आइए चाट खाते हैं, आप भी बनाइए, ट्राई करिए, और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए, अच्छे लग रहे हैं और आप क्या देखना चाहते हैं नया वो भी मेरे को बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।